हरदोई जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हो रही चोरियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सुरंग के तहत पुलिस को तीन छात्र चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस ने गिरफ्तार चोरों के पास से नकदी सहित बड़ी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया है। दरअसल 26 जनवरी को सैयद जफरुल हसन पुत्र सैयद फरुद्दीन के द्वारा थाने में तहरीर दी गई थी कि विगत रात्रि में चोरों के द्वारा प्रार्थी के मकान का ताला तोड़कर तांबे के बर्तन चोरी कर लिए गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए जांच शुरू की, तभी मुखबिर की सूचना पर चोरों का एक सक्रिय गिरोह निवेदा मोड़ पर प्लाईवुड फैक्ट्री कस्बा बिलग्राम पहुंचा है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल घेराबंदी करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना गुनाह भी कबूला। को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ग्राम ककेड़ी थाना सांडी तथा कस्बा बिलग्राम में जो चोरी घटनाएं हुई थी उनको इनके द्वारा अंजाम दिया गया था। इनके पास से दो पायल सफ़ेद, एक हाथ फूल, एक हांडा और 2100 नगद रुपये चोरी के बरामद हुए हैं। इनके नाम वासिफ, नादिर और नवी हसन हैं। तीनों थाना बिलग्राम क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके द्वारा और क्या घटनाएं की गई हैं इस संबंध में पुलिस द्वारा जानकारी की जा रही है। तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।